वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में यमुना जी का जलस्तर की वजह से पानी आ चुका है, तो परिक्रमा मार्ग हो गया है अवरुद्ध, तो आपको ऊपर से परिक्रमा देनी पड़ेगी। ये वही परिक्रमा मार्ग है जो घाटों से उकड़ जाता था, एक यहाँ से केसी घाट की सीढ़ियाँ, केसी घाट के घाट शुरू होते हैं, सब रास्ता यहाँ से बंद हो चुका है। अब कुछ स्टेट हैं अपने, उनमें ज़्यादा है, हमारे वृंदावन में भी यहाँ पे देखिए यमुना जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, तो यहाँ पर भी परिक्रमा मार्ग में भी पानी आ चुका है। अब देखिए शायद अभी तो पानी यहाँ तक आया है, अभी पता नहीं कितने ऊपर तक आएगा, देखते हैं आगे। फिर हम आगे चलते हैं केसी घाट पर। यह है वृंदावन का श्रृंगार वट घाट, और इसके सामने हम दर्शन करते हैं यमुना जी का। ये देखिए वृंदावन में बिहार घाट, श्रृंगार वट घाट, जुगल घाट, केसी घाट, चीर घाट, गोविंद घाट, काफ़ी सारे घाट है। तो ये है श्रृंगार वट घाट वृंदावन का। यहाँ पर भी देखिए यमुना जी का दर्शन, यमुना जी अपने पूरे स्वरूप में है। कई जगह हम न्यूज़पेपर पढ़े थे सुबह, कई जगह मतलब बाढ़ की स्थिति आ रखी है, उसी वजह से ऊपर से पानी लगातार डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो उसी के फलस्वरूप यहाँ देखिए यमुना जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। और आगे जहाँ खादरों में आगे हम जाएंगे देखेंगे, वहाँ खादरों में भी पानी आ गया होगा, तो उसको भी हम देखेंगे आगे चल के। तो ये आप देखिए पहले श्रृंगार वट घाट, इसके आगे हम जाएंगे चीर घाट पर, और उसके बाद आगे केसी घाट पर। ये वृंदावन का बिहार घाटी है, तो हम अभी थोड़ा साइड पे निकल गए हैं। ये देखिए यहाँ पर यमुना जी एकदम अपने पुराने स्वरूप में, जैसे पहले हमको दर्शन देती थी, बिल्कुल वही स्वरूप में दर्शन दे रही हैं। ये जो बह के आ रही है सामने जलकुंभी है, पानी काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी भरा हुआ है पानी। राधे राधे, जय जय श्री राधे। और ये देखिए वृंदावन में यमुना जी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है। हम हैं वृंदावन के समय जुगल घाट पर, सॉरी बिहार घाट पर। ये वृंदावन का बिहार घाट है जहाँ पर आप स्नान के लिए आते होंगे, इसके ठीक सामने सेवा कुंज के लिए रास्ता जाती है, सेवा कुंज मंदिर के लिए। ये देखिए सामने जो गली है सेवा कुंज मंदिर के लिए, उसी के ठीक सामने आता है ये बिहार घाट। तो हम आपको वृंदावन के सभी घाटों का दर्शन कराएंगे। राधे राधे। ये है वृंदावन का भ्रमर घाट, और ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग भी है जहाँ से हम श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। तो देखिए वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में भी श्री यमुना जी हमें दर्शन दे रही हैं, यानी जल आ चुका है यमुना जी का, और यहाँ का जो परिक्रमा मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है, तो उसके लिए आपको ऊपर से परिक्रमा करनी है। दूसरा रास्ता है परिक्रमा देने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट होता है वहाँ से। ये देखो भैया पूरा परिक्रमा मार्ग भरगो पानी थे। ये देखो पूरे परिक्रमा मार्ग में पानी है।